दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme Q2 स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च होने वाले हैं, उसकी प्राइस कितना हो सकता है इंडिया में, और इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है कि कब तक आएगी, इसके बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं Realme Q2 स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। इसमें 6.53 इंच की IPS LCD फुल HD डिस्प्ले होने वाले हैं। अगर बात करते हैं इसकी बैक साइड के कैमरे के बारे में, इसमें बैक साइड दिया जाएगा ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा या क्वाड हो सकता है, और इसकी बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन दिया जाएगा। अगर बात करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में, इसमें दिया जाएगा LPDDR4X का रैम, UFS 2.1 का स्टोरेज जाएगा, 3GB रैम 32GB स्टोरेज से शुरू होगा एंड 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज तक जा सकता है। अगर बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस और UI के बारे में, Realme UI 2.0 दिया जाएगा। और बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, MediaTek 720 प्रोसेसर दिया जाएगा। ये प्रोसेसर 12 nm पर बेस्ड है इंडिया में। और बात करते हैं ये जो मिड रेंज का सबसे पहला स्मार्टफोन हो सकता है 5G में, जो स्नैपड्रैगन का तो नहीं, MediaTek का 720 प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं। अगर बात करते हैं इसकी इंडियन प्राइस के बारे में, ये स्मार्टफोन इंडिया में आ सकता है 12,000 के आसपास आएगा, जो होगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज, और 11,000 के आसपास आएगा 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ, और जो होगा 6GB रैम 128GB स्क्रीन रैम प्राइस हो सकती है लगभग 14,000 से 15,000 के आसपास। इसकी बात करते हैं इंडिया में आने के डेट के बारे में, ये स्मार्टफोन इंडिया में आ सकता है जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक इंडिया में आने की पूरे पूरे चांसेस है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव